हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डबल्स बैडमिंटन प्लेयर का ट्रेनिंग सेशन कैसा होना चाहिए। तो ये है मेरा दोस्त जो डबल्स की ट्रेनिंग करता है। तो मैं एक दिन से फीडिंग करा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए और जो भी एक्सरसाइज और ड्रिल्स होती है कोर्ट पर उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन ड्रिल्स के फायदे क्या है और फायदे के अलावा कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स हैं उन एक्सरसाइज के जो आपको करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप डबल्स के बैडमिंटन ट्रेनिंग करते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो कि एक डबल्स बैडमिंटन प्लेयर कैसे ट्रेन करता है। तो लेट स्टार्ट और वीडियो एंड तक जरूर देखना और यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने वार्म अप करा अच्छा सा, उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन वार्म अप और अच्छी खासी नॉकिंग करने के बाद ये थी हमारी पहली ड्रिल। हमारी पहली ड्रिल थी टैप डिफेंस, जिसके नाम सुन के ही पता चल रहा है कि वो डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, खासकर डबल्स डिफेंस के लिए। ये ड्रिल बिगनर से लेकर एडवांस हर कोई करता है जो अपना डबल्स का डिफेंस सुधारना चाहता है। इस ड्रिल के मेनली बेनिफिट्स है कि आपका डिफेंस अच्छा होगा, आपका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा और जो आपको फीड करा रहा है उसका नेट गेम अच्छा होगा। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ये ड्रिल करते वक्त जरूर याद होने चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो भी बंदा डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहा है उसकी रैकेट स्विंग बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैच खेलोगे आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप रैकेट स्विंग भी लंबी कर लो और बार बार डिफेंस भी अच्छी तरह कर पाओ। तो ताकि आपका डिफेंस पर पूरी तरह कंट्रोल रहे और अपनी रैकेट आप अच्छी तरह स्विंग कर पाए, तो उसके लिए शॉर्ट स्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लगातार डिफेंस तो करना ही है, लेकिन बीच बीच में आपको शटल नेट पे प्लेस भी करनी है, क्योंकि मैच में जब आप खेलते हो तो आपको डिफेंस से अटैक पे लाने के लिए बीच बीच में शटल नेट पे प्लेस करनी पड़ेगी। तो ट्राई करो कि आपका मेन शॉट तो डिफेंसिव होगा, लेकिन आप बीच बीच में शटल नेट पे प्लेस करो, इससे आपका कंट्रोल भी बढ़ेगा शटल जो। अब हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिफेंस में वेरिएशन लाना है। फॉर एग्जांपल, जो आपको बंदा फीड करा रहा है आपको सिर्फ उसे एक ही जगह रिटर्न नहीं करनी है, आप उसे ओवरहेड पे रिटर्न करिए, उसके बॉडी के ऊपर रिटर्न करिए और उसके फोरहैंड पे रिटर्न करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जब आप मैच खेलोगे और आप बार बार एक ही जगह रिटर्न करोगे तो सामने वाला एंटिसिपेट कर लेता है। तो ट्राई कि आप अपना जो डिफेंस कर रहे हो वो अलग अलग जगह पे करो। द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रिल वॉज 10 मिनट्स, फिर हमने 10 मिनट्स के बाद चेंज करी साइड और फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। अब हमारी सेकेंड ड्रिल है 4 कॉर्नर ड्रिल। तो जिसमें फीडर रहेगा वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और जो कर रहा होगा उसके पीछे के 4 कॉर्नर होंगे। ये एक्सरसाइज मिक्स डबल्स और मेंस डबल्स के लिए लाइक दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें मिड कोर्ट भी कवर हो जाएगा, तो आप शटल प्लेस और अपने में ड्राइव शॉट्स और अपना एक्सप्लोसिवनेस स्मैशेस में वो सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस ड्रिल का मेन बेनिफिट तो यही है कि आपके जो पीछे के 4 कॉर्नर है उसकी कवरेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं की पॉइंट्स की विच यू हैव टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग दिस ड्रिल। तो पहला और बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि आपको अपनी सारी वेरिएशंस जो कि खासकर मिड कोर्ट्स होगी वे सारी ट्राई करनी है। कभी कभी सिर्फ शटल प्लेस करो नेट पे, लेकिन कभी कभी यू हैव टू प्ले द ड्राइव शॉट्स। अब हमारा सेकंड की पॉइंट है कि आपको एक्सप्लोसिव रहना है बहुत ही ज्यादा इस ड्रिल में। आपको सेंटर से तो ड्राइव और कंट्रोल करनी है शटल, लेकिन जब भी आपको थोड़ी बहुत भी लिफ्ट मिले तो आपको तुरंत उस पर अटैक के लिए जाना है। शटल को नीचे से पकड़ने का इस ड्रिल में तो कोई सेंस नहीं बैठता, तो कोशिश करो आप एक्सप्लोसिव रहो, अटैकिंग पोजिशन में जाओ, उसके बाद आपकी मर्जी है आप चाहे फुल स्मैश मारो, लेकिन आप कभी कभी हाफ स्मैश और कभी कभी ड्रॉप शॉट्स भी मार सकते हो। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फील्डर रहेगा उसे कोशिश करनी है बहुत ही एक्सट्रीम क्रॉस कोर्ट लिफ्ट मत करे, क्योंकि जब भी आप डबल्स का मैच देखोगे तो इतनी कोई एक्सट्रीम क्रॉस लिफ्ट से कोई भी क्रॉस डाउनवर्ड शॉट नहीं मारता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इतना एक्सट्रीम क्रॉस लिफ्ट मत करें, सिर्फ इसी कोर्ट के एरिया में शटल को फीड करें। ये ड्रिल हमारे ट्रेनिंग सेशन की मेन एक्सरसाइज थी, तो हमने इसे 10 मिनट पहले इस तरफ से करा, फिर हमने चेंज करा और फिर एक बार और रिपीट करा, तो टोटल हमने ये ड्रिल 40 मिनट तक करी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट और मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वालिटी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब। फिर हमने शुरू करी अपनी तीसरी ड्रिल, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे कहता हूं डबल्स नेट ड्रिल। जो भी बैडमिंटन के डबल्स मैचेस देखता है तो उसको तो पता ही होगा कि जो सर्विस के बाद के 4 स्ट्रोक रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आपका नेट प्लेयर या फिर नेट कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आप वहीं पे पॉइंट लूज कर दोगे, और अगर आपका अच्छा है तो आप एक तुरंत एडवांटेज बना सकते हो अपने अपोनेंट के ऊपर। क्योंकि डबल्स में मेन फाइट तो यही है ना कि आप अपना नेट कितना अच्छा रख सकते हो और अटैक जल्दी से जल्दी ले सकते हो। तो इस एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट भी यही है कि जब आप अपनी सर्विस रिसीव करो या फिर सर्विस करो तो आप नेट पे कंट्रोल रखो और आसानी से अटैक मत दो अपने अपोनेंट को, क्योंकि मैंने देखा है जो डबल्स के नेट के प्लेयर है उनका जो टच रहता है शटल पे बहुत ही ज्यादा हार्ड या फिर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, कि या तो वे शटल को हिट करेंगे तो नेट के बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगी और सामने वालों को क्लियर एडवांटेज है, या फिर वो इतना लाइट रहता है कि वो नेट पे ही रह जाता है। इस ड्रिल को करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है
कि आपकी ग्रिप चेंज कितनी अच्छी है। अगर आप क्विकली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो अपने फोरहैंड ग्रिप से बैकहैंड ग्रिप पे, तो आपको इस ड्रिल में पक्का दिक्कत होने वाली है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको वेट नहीं करना है शटल का। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके अपोनेंट ने शटल को हिट करा, तो आपको क्विकली रिएक्ट करना है शटल को, और जितनी ऊपर से हो सकते हो आपको रिटर्न उतनी ऊपर से करना है। आपको इंतजार नहीं करना है कि शटल आपकी तरफ आएगी या फिर आप नेट के बहुत ही नीचे हाइट से शटल को पकड़ोगे। तो ये ड्रिल हमने 20 मिनट तक करी। 10 मिनट के बाद हमने 3-4 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लिया था और हमने फिर 10 मिनट कंटिन्यू करा था। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के लास्ट ड्रिल की तरफ। अब हमारी लास्ट ड्रिल थी एक फन बॉक्स गेम। मेरा तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको डबल्स में अच्छा होना है तो आपको बॉक्स गेम तो बहुत ही अच्छे तरह से खेलना आना चाहिए। जिनको नहीं पता है, बॉक्स गेम एक हाफ कोर्ट में खेला जाता है और हाफ कोर्ट को भी और छोटा कर दिया जाता है कि आपके यही प्लेइंग एरिया है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप सर्विस के दौरान फ्लिक सर्व नहीं कर सकते। तो आपको अपोनेंट चाहे बिल्कुल लाइन पर खड़ा हो, लेकिन आपको करनी आगे ही पड़ेगी सर्विस। पहले तो आपका डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लिफ्ट बिल्कुल बैक गैलरी में नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट लिफ्ट ही करनी पड़ेगी। तो आपको वहां से डिफेंस भी अच्छा ही करना होगा अगर आपको पॉइंट जीतना है। तो जब मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था डबल्स की, तो मैं कोशिश करता था कि हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद एटलीस्ट एक डबल्स गेम तो खेल लूं। तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने हो, तो यार आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा जो पूरा ट्रेनिंग सेशन था, ये सिर्फ डबल्स प्लेयर के लिए था, जिसमें हमने टोटल 4 ड्रिल्स करे। पहला हमने करा टैप डिफेंस, जो हमने टोटल 20 मिनट्स करा। फिर उसके बाद हमने करे पीछे के 4 कॉर्नर, जो कि हमने करे 40 मिनट्स तक। फिर हमने करा डबल्स नेट ड्रिल, जो हमने 20 मिनट करा। और फिर हमने उसके बाद एक बॉक्स गेम खेला जो 21 पॉइंट्स का था, तो अराउंड 10 मिनट्स उसके भी मान लो, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा ट्रेनिंग कर रहा था। तो अगर आप डबल्स की ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, तो इनमें से सिर्फ कुछ ही एक्सरसाइज चुने और आप जितने लोग हो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपका सेशन डिसाइड हो जाएगा। तो गाइज, डेट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप कोई चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ बैडमिंटन रिलेटेड, तो यार कमेंट में जरूर बता देना। और प्लीज सब्सक्राइब। आई एम अर्पित, आई एम ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।